बहाना करना ढोंग रचना है ना, जो हम बहाना करते हैं, जो हम ढोंगी बनते हैं, ढोंग करते हैं लोगों के सामने, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिटेंड। क्या कहते हैं? प्रिटेंड। ये एक वर्ब है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस है। कोई भी वर्ड हो जिसमें एक प्रोसेस हो, बहाना करना एक प्रोसेस है, ढोंग रचना एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी वर्ब। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई भी आपको इतना इजी लैंग्वेज में नहीं बताएगा। जहाँ कहीं भी वर्ड में आप देख रहे हो कि प्रोसेस है, डेट इज वर्ब। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप। वो सिर्फ बहाना कर रही थी। क्या बहाना कर रही थी? सोने का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वाई आर यू प्रिटेंडिंग टू बी अ नाइस पर्सन एज वी नो यू वेल। तुम क्यों प्रिटेंड कर रहे हो, क्यों तुम क्यों ढोंग रच रहे हो, तुम क्यों बहाना कर रहे हो एक अच्छे पर्सन होने का, जैसा कि हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए। प्रिटेंडिंग फॉल्सली इन लाइफ कांट गिव यू प्रेस्टीज एट एनी कॉस्ट। गलत तरीके से बहाना करना, गलत ढोंग करना जीवन में आपको प्रेस्टीज नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर, आपको प्रतिष्ठा नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर, आपको गौरव नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। प्रेस्टीज की मीनिंग होती है प्रतिष्ठा या गौरव। इसका भी वीडियो सेपरेटली शूट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आपकी कम्युनिकेशन में एक वर्ड और ऐड हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलता हूँ नए वर्ड में, नई एनर्जी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, इसी माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।